हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भोकल क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइट। लाइट यानी प्रकाश। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है प्रकाश। तो हम इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस चैप्टर से संबंधित जो भी डाउट आपके हुआ करें वो आप कमेंट कर दिया करें ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, गोली दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख अक्ष, मुख फोकस, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। आज के इस क्लास में हम इतनी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहले जो हमारी परिभाषा है वो है प्रकाश। प्रकाश को समझते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश कहलाता क्या है? नाम तो सबने सुना है, प्रकाश, लाइट, लेकिन जानते बहुत ही कम बच्चे हैं। अगर किसी से परिभाषा पूछी जाए तो बहुत ही कम बच्चे बता पाते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि प्रकाश होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आप इस प्रकार से समझिए, यदि आप कमरे में बैठे हैं, सडनली लाइट चली जाए तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पर गिलास रखा है, कहाँ पर बुक्स रखी हैं, कहाँ पर टेबल है, कहाँ पर स्टूल है। आप कब बता पाएंगे? जब आपकी लाइट वापस आ जाए। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को देख ही नहीं पाएंगे। और प्रकाश कहाँ पर? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मतलब कहीं पर वायु हो या ना हो, उससे प्रकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रकाश तो चलेगा भाई। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है पूरी प्रकाश की परिभाषा। क्या कहलाता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक में होती हैं अपनी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। इनको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। नंबर दो है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक दीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, नंबर दो अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। तो क्या कहलाती हैं दीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं? तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। मतलब इनको दूसरों की सहायता नहीं चाहिए, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या हैं? ये तीनों स्वयं के प्रकाश उत्पन्न होती हैं, किसी का सहारा नहीं लेती हैं। अगला है अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, मतलब दूसरों के प्रकाश से उत्सर्जित होती हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश है ही नहीं, वह है दूसरों के प्रकाश। दूसरा कौन है? मतलब सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा, मेज, कुर्सी आदि, ये क्या हैं? अदीप्त वस्तु के उदाहरण हैं। अब हम नेक्स्ट परिभाषा पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, प्रकाश कौन कौन से गुण रखता है? तो देखिए, प्रकाश तो पहला पॉइंट बताएंगे, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, सीधी रेखा में,
ऐसा नहीं कि प्रकाश यूं गया या ऐसे ऐसे, नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में ही चलेगा, कोई अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट बताना है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3 बताना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को भेद नहीं सकता। अपारदर्शी मतलब जिनके आर पार ना जा सके। अगर कहा जाए प्रकाश इस पर पड़े तो क्या प्रकाश आर पार निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो बताना है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को भेद नहीं सकता। अगला पॉइंट बताना है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यदि हम यहाँ से लाइट डालें, यहाँ पर प्रकाश डालें इस पर, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी वाहन की आवश्यकता हो प्रकाश को, कि चलो भाई मोटरसाइकिल बैठ के जाते हैं, नहीं ना, प्रकाश स्वयं जाता है। मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग कितनी होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए प्रकाश के गुण में? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को भेद नहीं सकता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगली भाषा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए, समझते हैं। जब किसी दर्पण पर, मान लीजिए कि अपना क्या है, दर्पण है, यहाँ से कोई प्रकाश डाली गई, यहाँ से कोई प्रकाश किरण डाली गई, तो ये क्या है, दर्पण से टकराने के पश्चात लौट जाएगी। जो प्रकाश किरण आती है वो कौन सी कहलाती है? आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर चली जाती है वापस, वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और यहां से ये क्या कहलाता है? अभिलंब। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो बताना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश दर्पण से, चिकनी या पॉलिश दर्पण से मतलब दर्पण, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश दर्पण से टकराता है तो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम है कि जो आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कोण आई, और जो परावर्तन कोण, ये क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये क्या है? परावर्तन का नियम नंबर दूसरा है। तो कौन कौन से नियम हैं? आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं।
नंबर दो, नियम नंबर दो कौन सा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगली परिभाषा आपने कौन सी है? गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या कहलाता है? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। मतलब अपने पास जो कोई दर्पण है इसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दिए एक पृष्ठ पर, तो परावर्तन कहाँ से होगा? यहाँ से दबे हुए तल से। और अगर अपन इसके दबे हुए तल पर कर दें कलाई तो परावर्तन कहाँ से होगा? उबे हुए तल से। तो ये कहलाता है गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या कहलाता है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है जिसकी उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है। उभरा हुआ मतलब जी ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा परावर्तन कहाँ होता है? दबे हुए तल में, तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है जिसके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ तल। ये कौन सा है? इसका दबा हुआ तल है, तो यह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो हमने क्या पढ़ा? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहलाते हैं? वे दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल में होता है। तथा उत्तल दर्पण क्या कहलाते हैं? उत्तल दर्पण वे दर्पण कहलाते हैं जिनके दबे हुए पृष्ठ पर कलाई होती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोली दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण का ध्रुव ये है अपना गोली दर्पण, ये नाम दे दिया M1 M2 क्या है? दर्पण है। तो यहाँ पर है ध्रुव, यहाँ पर क्या है? F। यहाँ पर क्या है? C। तो पहली परिभाषा पढ़ते हैं ध्रुव। ध्रुव को क्या करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस को F से, और वक्रता त्रिज्या को वक्रता केंद्र को सी से। तो हमें पढ़ना है पहले गोली दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ है? ये है वक्रता केंद्र। क्या बताएंगे? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले का गोली दर्पण बना होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से अगली भाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। अगला है मुखाक्ष। मुखाक्ष में बता देना है कि मुख फोकस F तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। दर्पण के मुख फोकस F तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख अक्ष। जी कहलाती है, जी वाली रेखा। ये क्या है? ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष है। अगली क्या पढ़ना है? मुख फोकस। मुख फोकस क्या कहलाते हैं? जी है, मुख फोकस कहलाती है जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख फोकस से। तो मतलब क्या बताना है इसमें? कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस F कहते हैं। ऐसा नहीं हमने यहाँ पर F लिख दिया तो यहीं से जाएगी, यहाँ से जाती मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती वहाँ पर क्या बनाना पड़ता? वहाँ पर मुख फोकस F लिखना पड़ता। अगर यहाँ से ये किरण जाती तो यहाँ पर F होता। मतलब मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी प्रकाश किरण उसे क्या कहेंगे?
मुख्य फोकस एफ कहते हैं। अगली है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अगला पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो सभी लोग जानते होंगे, दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण में वस्तु की आकृति बन जाती है या दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब, जिसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में दिखाई दे या वास्तव में बनता हुआ दिखाई दे, और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आभासी प्रतिबिंब नाम ही उसका आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है, स्पष्ट रूप से हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट हों इस चैप्टर से संबंधित वो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Yeah!